सच साहस सरोकार। महासमुंद में कांग्रेस प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला की प्रेसवार्ता, अमरजीत चावला ने बीजेपी पर साधा निशाना। सूरजपुर में व्यावसायिक परिसर का लोकार्पण, प्रदेश कांग्रेस सचिव अखिलेश प्रताप सिंह रहे मौजूद। जगदलपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स और रेल संघर्ष समिति ने रखी बैठक, रेलवे लाइन के विस्तार पर जताई नाराजगी। बस्तर में जायजा मुनाफे में की जाएगी रबड़ के पेड़ों की खेती, रबड़ की प्रायोगिक खेती करने जा रहा है कृषि अनुसंधान केंद्र। अगलतरा में महानदी मजदूर संघ ने की टूल डाउन हड़ताल, महानदी पावर प्लांट प्रबंधन कर रहा मजदूरों का शोषण। नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। महासमुंद में राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त किए जाने और अडानी मामले पर केंद्र की मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर महासमुंद जिले के पिथौरा एनएच रेस्ट हाउस में प्रभारी महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी अमरजीत चावला ने प्रेस वार्ता की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष को टॉर्चर कर रही है, संसद में बोलने पर माइक बंद कर देते हैं, अगर किसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला तो ऐसा बर्ताव करते हैं कि वो देशद्रोही है। ऐसी निम्न स्तर की राजनीति आज तक कभी नहीं हुई। का काम किया, कहीं पर भी उन्होंने कांग्रेस का प्रचार नहीं किया तो जो लोकप्रियता बढ़ी, जो भीड़ इनसे जुड़ी, तो आने वाले जो 5 राज्यों का विधानसभा है, लोकसभा के चुनाव में उसमें अपनी संभावित हार और अडानी और मोदी के रिश्तों के उजागर होने के डर से इन्होंने जो षड्यंत्र किया उसके चलते उन्होंने ये कार्रवाई की। तो आज कांग्रेस पार्टी आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहती है, इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि AICC के माध्यम से हम देश के हर राजस्व ब्लॉक में प्रेस वार्ता करेंगे और आपके माध्यम से लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम जो मोदी सरकार कर रही है उसकी आवाज हम उठाते। सूरजपुर के भैयाथान में 1,18,00,000 की लागत से बने मां माया नवीन व्यवसायिक परिसर और 10,00,000 की लागत से बने सामुदायिक भवन का संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने फीता काटकर शुभारंभ किया, साथ ही कई निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस सचिव अखिलेश प्रताप सिंह सहित कई राजनीति प्रतिनिधि भी पहुंचे। वहीं संसदीय सचिव ने सभी दुकानदारों को अधिकार पत्र भेंट किया, ऐसे में सभी दुकानदारों ने क्षेत्रीय विधायक पारसनाथ राजवाड़े को धन्यवाद भी दिया। वहीं सांसदीय सचिव ने कहा कि भैयाथान मुख्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए हमने और भी कार्य योजना बनाई है जिसके लिए हम सभी मिलकर कार्य करेंगे। जो डर डर कर अपना व्यवसाय कर रहे थे उस व्यवसाय से आज उस डर से आज उनको मुक्ति मिली है और आज सभी प्रभावित दुकानदारों को, जैसा कि हमारे इस व्यवसायिक परिसर के जो प्रेरणा थे, जो मुख्य कर्ता धरता थे माननीय अखिलेश प्रताप सिंह जी, माननीय पारसनाथ विधायक जी राजवाड़ी जी, उन्हीं के पूरे सहयोग से, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये एक ऐतिहासिक कार्य जो कि सूरजपुर जैसे जिला में यह कार्य नहीं हो सका। 46 दुकानें बने, इसकी लागत 1,18,00,000 और जो भूमि पूजन किया गया उसमें भैयाथान रोड, ओड़गी रोड के नाली निर्माण का PWD के द्वारा निर्माण किया जाएगा, साथ में साप्ताहिक बाजार के सेट का और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम आज भैयाथान में हुआ। बहुत पुरानी मांगे रही। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय वृद्ध जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जेल लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा कंवर उपस्थित रही। बता दें कि जेल लोक अदालत में कुल 9 प्रकरणों की सुनवाई की गई। इस अवसर पर जेल अधीक्षक अमित सांडिल्य, सहायक जेल अधीक्षक ए कुजुर, कल्याण अधिकारी एवं न्यायालय कर्मचारी भी उपस्थित रहे। जगदलपुर में रेलवे लाइन ने विस्तार को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स का असंतोष जारी
किया है। तो वहीं रेल सुविधाओं की मांग को लेकर रेल संघर्ष समिति और बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने रणनीति बनाई। बता दें कि बस्तर में रेल सुविधाओं की मांग को लेकर रेल संघर्ष समिति और बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स संयुक्त रूप से आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली गई है। सरकार को जहां से अर्निंग होता है, सरकार को जहां से दोहन और खनन करना है, परिवहन करना है, वहां वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। डीआरएम साहब का भी दौरा हो रहा है, जीएम का दौरा हो रहा है, दोहरी लाइन को लेके वो ग्राउंड पे आ गए हैं। लेकिन रावघाट से जगदलपुर को लेकर अभी तक ऐसा कोई भी हलचल हम लोगों को सुनाई में नहीं आ रहा, तो हम लोग वही देख रहे हैं और इसी बात पर चिंतन और मंथन किया गया है आज कि अब यदि ये काम फील्ड में नहीं आएगा तो जगदलपुर में संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत जिले के पहले बेरोजगारी भत्ता हितग्राही स्वीकृति प्रदान की गई। इस अवसर पर संसदीय सचिव ने हितग्राही को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार को प्रति माह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का बेरोजगार युवा जरूर लाभ ले। दंतेवाड़ा में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने पर जिला कांग्रेस कमेटी ने मोदी सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। तो वहीं जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम के मार्गदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने जमकर मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की और कहा कि सच्चाई को संसद में उठाने पर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई है। दंतेवाड़ा के बड़े बचेली में ब्लॉक स्तरीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बूथ सेक्टर और मंडल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से व्यापक चर्चा की गई और सम्मेलन में विधायक देवी कर्मा, जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम उपस्थित रहे। सम्मेलन में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता खत्म करने पर कार्यकर्ताओं ने भारी नाराजगी भी जताई। जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फागुन मंडई में देवी देवताओं के विदाई कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने दंतेवाड़ा जिले के गिदाम में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और एसडीएम कार्यालय खोले जाने की सौगात दी थी। बीजापुर के भैरमगढ़ वन परिक्षेत्र में तेंदुपत्ता संग्रहण और परिवहन के लंबित भुगतान को लेकर आज भाजपा के बैनर तले सैकड़ों संग्रहकों ने डीएफओ दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। वहीं डीएफओ अशोक पटेल की तरफ से जवाब नहीं मिलने पर ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन कर रहे भाजपा के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा समेत सभी भाजपाई उग्र हो गए और ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय के अस्पताल चेक पर चक्का जाम किया। इस दौरान पुलिस की तरफ से मान मनोबल की कोशिश विफल रही। बाद में प्रशासन की तरफ से पहुंची अधिकारियों ने पूर्व मंत्री महेश से चर्चा की और 20 दिन के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। तो वहीं अफसरों के आश्वासन के बाद चक्का जाम हट गया है। बस्तर में भी अब ज्यादा मुनाफा देने वाले रबड़ के पेड़ों की खेती की जा सकेगी। तो वही अनुसंधान संस्थान कोटायाम बस्तर क्षेत्र में रबड़ की खेती की संभावनाएं तलाशने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबड़ की प्रायोगिक खेती करने जा रहा है। इसको लेकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रायपुर के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल की मौजूदगी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और रबड़ अनुसंधान संस्थान कोटायाम में एक समझौता किया गया। समझौता ज्ञापन पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालन अनुसंधान डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी और रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटायाम की संचालक अनुसंधान डॉक्टर एमडी जेसी ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार रबड़ इंस्टीट्यूट कृषि अनुसंधान केंद्र बस्तर में 1 हेक्टेयर रकबे में रबड़ की खेती के लिए 7 सालों की अवधि के लिए पौध सामग्री, खाद उर्वरक, दवाएं और मजदूरी पर होने वाला व्यय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
अकलतरा के नरियरा में स्थापित केएसके महानदी पावर प्लांट प्रबंधन लगातार भू विस्थापित और ठेका मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, जिसको लेकर महानदी मजदूर संघ द्वारा केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा में भू विस्थापितों और ठेका श्रमिकों के कई मांगों को लेकर एक दिवसीय प्लांट में टूल डाउन हड़ताल की गई, जिसके बाद लेबर इंस्पेक्टर द्वारा प्लांट परिसर में आकर भू विस्थापितों और मजदूरों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा भी की गई। बाद में उन्होंने मजदूरों को समझाने के बाद प्लांट परिसर में बातचीत कर श्रमिकों की भी सभी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। लेबर इंस्पेक्टर और प्लांट प्रबंधन के आग्रह को महानदी मजदूर संघ के पदाधिकारियों और सभी श्रमिकों ने स्वीकार भी किया। महासमुंद में कोतवाली थाना क्षेत्र में एनएच 353 पर साराडीह के मोड़ के पास परफेक्ट हर्बल आयल प्राइवेट लिमिटेड बिरकोनी के मैनेजर से दो बाइक सवार लोगों ने 10,80,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए, जिसकी जानकारी प्रार्थी ने कोतवाली पुलिस को दे दी है। तो वहीं पुलिस और साइबर की टीम मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक परफेक्ट हर्बल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड बिरकोनी में 35 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी सैलरी देने और कुछ वेंडरों को भुगतान के लिए ये पैसा आया था, जिसे लेकर मैनेजर महासमुंद आ रहा था, तभी चार अज्ञात लोग वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। वो अपनी फैक्ट्री से आ रहे थे अपनी बाइक में और उनके साथ फैक्ट्री के कुछ राशि थी, पैसे थी बैग में उनके, जिसको कि साराडीह मोड़ के पास कुछ दो लोग हैं, दो बाइक सवार में, दो बाइकों में लगभग चार लोग हैं, जो आकर उनसे उनकी बाइक को साइड में उन्होंने गिराया है और उनसे पैसे छीनकर भागे हैं। उक्त शिकायत उनकी जो है थाने में की गई है, जिसमें तत्काल जो है पुलिस टीम सक्रिय हुई है और साइबर टीम, और तब से लगातार जो है उक्त घटनास्थल और बिरकोनी फैक्ट्री और आने जाने वाले मार्गों पर लगातार हमारी टीम जो है अपराधी से पूछताछ व अन्य सीसीटीवी फुटेज व अन्य कारणों और जो कुछ भी वहाँ जहाँ पे अन्य जो तकनीकी सहायता मिल सकती है उसकी पता साझी कर रही है। इस संबंध में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम अग्रिम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर, जिस लेकर चार लोगों की बात सामने आ रही थी, नकाब पोस्ट के हथियार का इस्तेमाल किया, फिर किस प्रकार से इस संबंध में भी प्रार्थी से प्रातः से ही लगातार पूछताछ की जा रही है। जैसे रात में 9:03 पर निकला था, कुछ कैश था मेरे पास, जो कि रास्ते में मेरे को चार दो बाइक पर चार लोग आए थे, उन्होंने मेरे से ये मारुति शोरूम और इसके जो मोड़ पड़ता है सराडी, इसके बीच में मेरे से गिरा के मेरे को पैसा छीन लिया। क्या हथियार वगैरह भी दिखाए थे, क्या ऐसा कुछ हथियार नहीं दिखाए थे। प्राइम छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस